बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनल्लाहअला कुल्ली शैइन कदीर। नाजरीन, एक और वीडियो में आपके साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में आपके साथ दो बड़ी एयरलाइन की जॉब शेयर की जाएंगी। एयर होस्टेस की ये जॉब्स हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कतर एयरवेज की एयर होस्टेस की जॉब्स बताएंगे। यहाँ पे सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं, मेल जिसमें अप्लाई कर सकते हैं वो आपको एंड पे बताएंगे, ठीक है। आपने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, रिव्यू पाकिस्तानी जॉब्स, आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। यहाँ पे साइड पे थ्री लाइंस पे क्लिक करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स की, आपने सब कैटेगरी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एयरलाइन जॉब का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह के इंटरफेस पे आ जाएंगे, यहाँ से आपने नीचे स्क्रॉल कर देना है, यहाँ से आप डिटेल भी देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे रिलेटेड पोस्ट भी देख सकते हैं, उसके अलावा कॉमेंट भी कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। उसके अलावा पॉपुलर पोस्ट भी देख सकते हैं जो अभी ओपन है। उसके अलावा आपने हमें फॉलो कर लेना है, इससे ये होगा डेली आने वाली जॉब्स का नोटिफिकेशन आपको पहुंच सकेगा, ठीक है। अब आपको डिटेल बता देते हैं, इसके लिए क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपकी जो उम्र होनी चाहिए 21 साल या 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। 21 साल से कम वाली फीमेल यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकती। उसके अलावा आपकी हाइट की बात की जाए तो 5 फुट 2 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है। तालीम की बात की जाए तो इंटरमीडिएट तालीम मिनिमम आपके पास होनी चाहिए, FA, FSC, ICS, ICOM या DCOM या इसके साथ की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो हेल्थ होनी चाहिए, वो फिटनेस जो होनी चाहिए वो एक्सीलेंट होनी चाहिए, ठीक है। जो मेन क्राइटेरिया था आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आपको अप्लाई करने का तरीका समझा देते हैं। अब यहाँ पे जो इनका मेन एयर होस्टेस की जो जॉब, यहाँ पे आप मेन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो मेन बड़े शहर रखे गए हैं वो इस्लामाबाद और कराची रखे गए हैं, ठीक है। तो आपको यहीं पे टेस्ट वगैरह देने जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने अप्लाई ऐसे करना है, यहाँ पे फॉर ऑनलाइन अप्लाई क्लिक हेयर का ऑप्शन आपको नजर आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आप इस तरह के इंटरफेस पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा लाहौर और कराची का। फर्ज करें आपने लाहौर के लिए अप्लाई करना है तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ अप्लाई नाउ का ऑप्शन नजर आ जाएगा। इसकी लास्ट डेट की बात की जाए तो 25 जुलाई 2023 इसकी लास्ट डेट है। सिंपल अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, फर्दर आगे आपके सामने डिटेल आ जाएगी, ठीक है। डिटेल आपने यहाँ पे सबसे पहले देखे, पर्सनल डिटेल लिखनी है, एक्सपीरियंस वगैरह लिखना है, जॉब स्पेसिफिक क्वेश्चन फिल करने हैं। एंड पे सबमिट करेंगे तो आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। सिंपल आपने इस तरह अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो ये तो हो गई कतर एयरवेज की। अब आपको बता देते हैं एमिरेट्स एयरलाइन की, ठीक है। वो भी काफ़ी बड़ी तादाद में भर्ती हैं, ठीक है। वहाँ पे मेल भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे फॉर ऑनलाइन अप्लाई के नीचे आपको नजर आएगा एमिरेट एयरलाइन का, आपने इसके आगे क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। इस तरह के इंटरफेस पे आ जाएंगे, सेम क्राइटेरिया है, ठीक है, जो आपको पीछे बताया कतर एयरवेज का, यहाँ पे सेम क्राइटेरिया है इसका भी। इसके लिए मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप देख सकते हैं इंटरव्यू के आप डेट देख सकते हैं, 2 अगस्त को रखी गई है कराची के लिए और 30 अगस्त को रखी गई है इस्लामाबाद के लिए। आपने डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए नहीं जाना, सबसे पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तो आपको जीमेल पे आ जाएगा टाइम वगैरह इंटरव्यू का, तब आपने जाना है, ठीक है। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे वो आपको खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आपने ऐसे डायरेक्ट नहीं जाना। सबसे पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जहाँ पे आपने क्या करना है, चेक कतर एयरलाइन जॉब के ऊपर आपको नजर आ रहा है फॉर अप्लाई क्लिक हेयर, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इस तरह के इंटरफेस पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे मुकम्मल डिटेल दोबारा भी पढ़ सकते हैं, इसका क्या क्राइटेरिया रखा गया है। उसके अलावा यहाँ पे ये देखें, नीचे सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं मुकम्मल डिटेल यहाँ पे आ गई है, ठीक है। इसके लिए ड्रेस की बात की जाए तो फीमेल ने ऐसा ड्रेस पहन के जाना पड़ता है जब आपने इंटरव्यू देने जाना होता है, तो इस तरह का ड्रेस पहन कर जाए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे नीचे मुकम्मल डिटेल पढ़ सकते हैं। अप्लाई आपने ऐसे करना है, यहाँ पे ऊपर अप्लाई का ऑप्शन नजर आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी इसकी डिटेल। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप न्यू यूजर हैं तो न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे पहले आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है, नेम पासवर्ड लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है और रजिस्ट्रेशन हो जाना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप दोबारा लॉगिन वाले पेज पे आएंगे, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड लिखेंगे, लॉग इन करेंगे, फर्दर आपके सामने फॉर्म ओपन होगा, उसको फिल करेंगे, एंड पे सबमिट करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगर आप शॉर्ट लिस्ट होंगे तो आपको जीमेल पे आ जाएगा मैसेज इंटरव्यू का। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।